बरतानवी हुकूमत के तकरीबन 100 साल बाद उत्तर भारत में बगावत का जज्बा रोज बरोज बढ़ता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिमों की जहालत और गारतगरी ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया आने से पहले बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में फेमस थी। लेट 15 सेंचुरी में एक पोर्चुगीज ट्रैवलर ने बंगाल के कॉटन और शुगर एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करी और उन्होंने कहा कि बंगाली कपड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मार्को पोलो जो एक पॉपुलर ट्रैवलर थे, उन्होंने भी बंगाल के कॉटन के बारे में बात करी। यूरोपियंस को ढाका और सोनरगांव का मसलिन और मालदा और शांतिपुर का मलमल बहुत ही पसंद था। मलमल के बारे में उन्होंने कहा कि इसका पूरी दुनिया में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। 70-20 तक करीब 1.5 मिलियन टन के बंगाली टेक्सटाइल्स यूरोप को एक्सपोर्ट कर दिए गए थे, पर बंगाल की इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ा झटका लगा कॉलोनियलिज्म और पार्टीशन की वजह से। अंग्रेजों के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से नई टेक्नोलॉजी आई जिसे बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाई, और पार्टीशन के बाद कई जूट फैक्ट्रीज तो अभी भी वेस्ट बंगाल में थी जो जूट के कपड़े बनाते थे, पर कई सारे जूट के मिल्स जो एक्चुअली जूट को क्रिएट करते थे वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, और उन फैक्ट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो गया था जूट का बंदोबस्त करना पार्टीशन के बाद। और बिगड़ते हालात की वजह से ईस्ट पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी लगाती थी रॉ जूट पर, जिसकी वजह से जो जूट इंडिया यूज कर रही थी उसकी क्वालिटी बिगड़ गई थी और प्राइस भी बहुत बढ़ गए थे। पार्टीशन और कॉलोनियलिज्म के बावजूद वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग थी। 1951 में वेस्ट बंगाल की लिटरेसी रेट बस केरला से कम थी इंडिया में, और 1960s में वेस्ट बंगाल का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस महाराष्ट्र से भी बेहतर था। जैसे आप देख सकते हैं कि बंगाल का पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट महाराष्ट्र से बेहतर था और रेस्ट ऑफ इंडिया से बहुत ही बेहतर था, पर कुछ टाइम बाद महाराष्ट्र ने बंगाल को ओवरटेक कर लिया और उनके बीच में अंतर बढ़ता ही गया। 1960 और 2013 के बीच बंगाल की ग्रोथ रेट ऑल इंडिया ग्रोथ रेट से कम हो गई थी। तो हुआ क्या? बंगाल की इकोनॉमिक गिरावट के पीछे एक मेजर कारण था उधर की इंडस्ट्री की बिगड़ती सिचुएशन। 1955 में इंडिया की 24% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और 27% इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट बंगाल से आती थी, पर 2007 में ये नंबर 3.9 और 4.9% हो गए थे। और यही नहीं, बंगाल की खुद की इकोनॉमी में उधर की इंडस्ट्री एक ज्यादा छोटी भूमिका निभाने लग गई। अब किसी भी इकोनॉमी में ब्रॉडली 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। 1960 में बंगाल और महाराष्ट्र की 20% इकोनॉमी करीब इंडस्ट्री से आती थी, पर बंगाल के लिए ये कम होता गया 1960 और 1995 के बीच। इस इंडस्ट्रियल डिक्लाइन को समझने के लिए कई इकोनॉमिस्ट ने रिसर्च करी है, और हम इसी रिसर्च के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की इंडस्ट्रीज को क्या हुआ 1950s के बाद। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आदित्य रे चौधरी और गौतम कुमार बासु ने बंगाल की इकोनॉमी को 3 फेजेस में डिवाइड किया था। जब हम 1965 के पीरियड के बाद की बात करते हैं तो 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे बंगाल की इंडस्ट्री की हालत के। पहला फैक्टर था इंडिया पाकिस्तान वॉर्स जो 1965 और 1971 में हुई। इन वॉर्स की वजह से जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी रेलवेज में वो बहुत कम हो गई थी। जैसे हम देख सकते हैं कि 1963 और 1976 के बीच वो ऑलमोस्ट 10 गुना गिर गई थी। अब गवर्नमेंट की रेलवे इन्वेस्टमेंट गिरने से बंगाल पर क्या असर पड़ा? अब चाहे 16 से 19 सेंचुरी तक बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी, पर 1960s में बंगाल की इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज पर निर्भर थी। 1965 में ज्यादा लोग इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे जूट इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन से, और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी थी। जितना गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्ट करती रेलवेज में उतनी ही इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत बढ़ती, क्योंकि जितनी ज्यादा रेलवे इन्वेस्टमेंट होती उतनी ज्यादा जरूरत होती शायद रेलवे डब्बे बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फिट करने के लिए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो बंगाल की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी डूबी और बंगाल की इकोनॉमी भी। दूसरा फैक्टर था कि लेफ्ट पार्टीज अब बंगाल की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी। 1969 के इलेक्शंस पहले स्टेट इलेक्शंस थे जब सीपीआईएम को ज्यादा सीट्स मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कंपैरिजन से, और लेफ्ट पार्टीज की वजह से बंगाल की इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे आप देख सकते हैं कि 1967 और 1970 के बीच नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज और नंबर ऑफ लोग जो इन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे दोनों में ही बहुत सडनली गिरावट आई। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जैसी लेफ्ट पार्टीज आई तभी बंगाल की इंडस्ट्रीज डूबने लग गई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स। अब आप पूछेंगे कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में डिफरेंस क्या है।
तो स्ट्राइक्स वो होती हैं जब एम्प्लॉयज यानी कि कर्मचारी खुद काम करने से मना कर देते हैं, और लॉकआउट्स वो होते हैं जब मैनेजमेंट उनको काम करवाने से मना कर देती है। बासु और रे चौधरी ने दिखाया कि 1967 और 1970 के बीच स्ट्राइक्स और लॉकआउट सडनली इंक्रीज हुई थी। इनफैक्ट एक रिसर्चर ने दिखाया कि जैसे लेफ्ट पार्टीज का वोट शेयर बढ़ा, उसके साथ ज्यादा दिन स्ट्राइक्स और लॉकआउट में चले गए, जिसकी वजह से कई कंपनीज ने अपने प्लांट्स दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशन भी बंद हो गई। तीसरा फैक्टर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो उन्होंने 1956 में इंट्रोड्यूस करी थी। इस पॉलिसी के तहत सरकार ने जो भी रेलवे के फ्रेट रेट होते हैं कुछ मिनरल्स के लिए जैसे कोल या फिर आयरन, वो सब सेम कर दिए थे पूरे देश में। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोल ट्रांसफर करना चाहते हैं बंगाल से महाराष्ट्र या फिर बंगाल से बिहार, आपको सेम पैसा ही देना होगा रेलवे कॉस्ट के लिए। अब इसका नतीजा क्या था कि जो भी कंपनी थी जो पहले मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में मौजूद थी जैसे बिहार, उड़ीसा या फिर बंगाल, उनको लगा कि अगर उनको सेम रेट ही देना है पूरे देश में तो उनको बंगाल और बिहार में रहने की क्या जरूरत है, वो तो महाराष्ट्र या गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर सकते हैं जहाँ बेटर फैसिलिटीज भी हैं और बड़े पोर्ट्स भी हैं। और इसी वजह से कई इंडस्ट्रीज बिहार, बंगाल या फिर उड़ीसा को छोड़ के गुजरात या फिर महाराष्ट्र चली गई। और इसके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में भी बात करी थी जहां हमने डिस्कस किया था कि यूपी और बिहार इतने गरीब कैसे हैं। और रिसर्चर्स ने बताया कि इस पॉलिसी की वजह से ही इंडस्ट्री पर बहुत बुरा असर पड़ा ईस्टर्न इंडिया में। 1975 की इमरजेंसी के बाद 1977 से 1991 तक एक कंटिन्यूस लेफ्ट गवर्नमेंट का रूल था बंगाल में, जहां चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बासु। और इस पीरियड के दौरान दो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बंगाल की इंडस्ट्रीज में इतनी ग्रोथ नहीं हुई जितनी रेस्ट ऑफ इंडिया में हुई। पहला फैक्टर था लेफ्ट गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो उन्होंने 1978 में अनाउंस करी थी। अब इस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट छोटी कंपनीज को ज्यादा महत्व देना चाहती थी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के हिसाब से वो किसी भी बड़ी कंपनी से इतने खुश नहीं होते और उनकी पावर कम रखना चाहते हैं जिससे लेबर की पावर ज्यादा हो। और इसी वजह से जहां 1989 में महाराष्ट्र की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 67% लोगों को रोजगार दे रही थी, ये नंबर वेस्ट बंगाल में 89% था। और रिसर्चर्स के हिसाब से ये छोटी कंपनीज रोजगार जरूर दे रही थी पर लोकल इंडस्ट्री को ग्रो करने से रोक रही थी क्योंकि उनकी क्वालिटी, सर्विस और डिलीवरी में इश्यूज थे। दूसरा फैक्टर था कि अभी भी स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स कॉमन थी वेस्ट बंगाल में। अब 1969 के कंपैरिजन में जरूर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स गिर गए थे पर अभी भी वो बहुत कॉमन थे। और हम देख सकते हैं कि जहां पहले ज्यादा स्ट्राइक्स होती थी लॉकआउट्स के कंपैरिजन में, अब ज्यादा लॉकआउट्स हो रहे थे स्ट्राइक्स के कंपैरिजन में। इसका ये मतलब है कि जहां पहले लेबर यूनियन ज्यादा अग्रेसिव थे, अब मैनेजमेंट ज्यादा अग्रेसिव थी। इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि क्योंकि अब लेफ्ट पार्टी सरकार में है, इसलिए लेबर यूनियन को इतनी जरूरत नहीं पड़ी स्ट्राइक करने के लिए, बल्कि दबाव आ रहा था मैनेजमेंट की तरफ से। और इसका नतीजा क्या था? बड़ी कंपनीज ढूंढने लग गई कोई भी रास्ता जिस वजह से उनकी इतनी लड़ाई ना हो लेबर यूनियन से और वो अपना काम भी कर पाए, और वो अपना काम सब कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए छोटी अनऑर्गेनाइज कंपनी से जिनको लेबर यूनियन इतना परेशान नहीं करते। कोई भी अनऑर्गेनाइज कंपनी वो होती है जो कोई टैक्स नहीं देती और जिनको कोई भी सरकार से बेनिफिट नहीं मिलता। अब जैसे आपके घर के पास किराना स्टोर, वो ना तो कोई टैक्स देते हैं ना उनका कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है। अब अनऑर्गेनाइज कंपनीज काम तो ठीक ठाक कर लेती हैं पर उनके पास हर बार पैसे की कमी होती है, इसलिए वो ज्यादा इनोवेट नहीं कर पाती और ग्रो नहीं कर पाती। और क्योंकि बंगाल में ज्यादा अनऑर्गेनाइज कंपनीज आ गई थी इंडस्ट्री में, इसी वजह से उधर की इंडस्ट्री भी इतना इनोवेट और ग्रो नहीं कर पाई। अब 1991 में इंडिया की इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दी गई और बिजनेस करना आसान हो गया। इसके अलावा जनवरी 1992 में सरकार ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी भी हटा दी जिससे मिनरल रिच स्टेट्स जैसे बिहार, उड़ीसा और बंगाल का नुकसान हुआ था। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एडवांटेज उठाने के लिए लेफ्ट गवर्नमेंट एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी निकाली 1994 में। सरकार ने एक सिंगल विंडो फैसिलिटी भी क्रिएट करी जिसको कहा गया शिल्पा बंधु, जिसकी वजह से कंपनीज को परमिशन बहुत ईजिली मिल सकती थी और सरकार ने टैक्स कंसेशंस भी अनाउंस करे। इसी वजह से अब वेस्ट बंगाल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगी। जैसे मित्सुबिशी केमिकल्स, एक जापानीज मल्टीनेशनल ने इन्वेस्ट किया हल्दिया पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट में। इनफैक्ट 1991 और 2006 के बीच बंगाल ने ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से बंगाल की अर्बन पॉवर्टी रेट बहुत हद तक गिर गई थी 1983 और 2004 के बीच। पर इस प्रोग्रेस के बावजूद अभी भी बहुत बड़ा गैप था वेस्ट बंगाल और दूसरे स्टेट्स के बीच। इसका पीछे एक मेजर कारण था पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक रिसर्च पेपर ने दिखाया कि जहां 1971 में वेस्ट बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर था,
1997 में वो इंडियन एवरेज से भी कम हो गया था। रे चौधरी और बासु कहते हैं कि वेस्ट बंगाल के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि उधर की सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था, जिस सेम प्रॉब्लम से हमारी आज की केंद्रीय सरकार भी गुजर रही है। बंगाल की जो भी सरकारी कंपनीज थी उन्होंने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था और उनका ज्यादातर पैसा सरकारी कर्मचारियों की पगार में जा रहा था और सरकार इतना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर रही थी। अब जब सरकार के पास इतना टैक्स रेवेन्यू नहीं है, इन सैलरीज को पे करने के लिए उनको और कर्ज लेना पड़ा और उसी वजह से बंगाल का डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो दूसरे स्टेट्स के कंपैरिजन से ज्यादा था 1997 में और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल होता था कोई भी प्लांट सेटअप करना बंगाल में क्योंकि लैंड लेना, जमीन लेना बहुत मुश्किल हो गया था और इसके बारे में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई 2008 में, जब एक बढ़ती ऑपोजिशन पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करी किसानों के हक में, क्योंकि उनका कहना था कि सरकार ने उनको जबरदस्ती अपनी जमीन से हटाया टाटा की नई नैनो कार की फैक्ट्री के लिए। আক্রান্ত করে, অ্যারেস্ট করে, বদনাম করে, দুর্নাম করে, চক্রান্ত করে, ষড়যন্ত্র করে। और इस इंसिडेंट का एक बहुत बड़ा असर पड़ा बंगाल की इमेज पर। पर बस ऑपोजिशन जिम्मेदार नहीं थी इस इमेज के पीछे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी उतनी ही कंफ्यूजिंग थी। ऐसे लेफ्ट सरकार कोई भी लैंड रिकॉर्ड नहीं रखती थी जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया था बिजनेसेस को ये देखना कि कौन सी जमीन वो अक्वायर कर सकते और कौन सी जमीन वो नहीं कर सकते। 2011 के बाद तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई बंगाल में, पर बंगाल की इकोनॉमी फिर भी संघर्ष करती रही। जैसे 2012 और 2017 के बीच जहाँ बंगाल की ग्रोथ रेट थी 5.5%, ऑल इंडिया एवरेज थी 7.1%। और इसके पीछे कारण था कि अभी भी सेम प्रॉब्लम्स थी बंगाल में। जैसे 2015 में सबसे ज्यादा अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में वेस्ट बंगाल में थी, और जैसे हमने पहले बताया कि अनऑर्गेनाइज कंपनीज की वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती इतनी। जैसे जहाँ 1980 में इंडिया की 12% मैन्युफैक्चरिंग बंगाल में हो रही थी, 2011 में बस 5% बंगाल में हो रही थी। और इन अनऑर्गेनाइज कंपनीज की वजह से ही बंगाल में जरूर कोई बेरोजगारी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बंगाल में ज्यादा प्रॉब्लम है इनकम की, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज कंपनी तो बहुत इजीली किसी को भी हायर कर सकती है और फायर भी कर सकती है क्योंकि वो ज्यादातर डेली का ही पैसा देती है। जैसे 2017 में बंगाल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल इंडिया रेट से कम थी, पर बंगाल में ज्यादा लोग कैजुअल लेबरर है, यानी कि उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं मिलता या मंथली सैलरी नहीं मिलती, उनको डेली का काम ढूंढना पड़ता है। और इस सिचुएशन को देखने के लिए आप बंगाल के ट्रेन प्लेटफॉर्म्स में जा सकते हैं जहाँ हर सुबह कई लेबरर्स इकट्ठा होते हैं काम की तलाश के लिए। जैसे 2019 में ढाकुरिया रेलवे स्टेशन में एक लेबरर ने बताया कि अगर उनको 9 बजे तक कोई काम नहीं मिलता तो वो घर वापस चले जाते हैं, जिसका ये मतलब है कि उनको उस दिन का कोई पैसा नहीं मिलता और उनका ट्रांसपोर्ट में भी पैसा खर्च हो जाता है। और चाहे अभी लेफ्ट पार्टीज का रूल ना हो पर लेबर यूनियंस का अभी भी बहुत बड़ा दबदबा है। अब लेबर यूनियंस कहते जरूर है कि वो हर मजदूर की सहायता करते जब उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर पर्सनल इमरजेंसी हो, और हो सकता है कि ये कुछ हद तक सही हो, पर कई बार कुछ ट्रेड यूनियन ऑलमोस्ट वसूली का काम करते हैं। जैसे इंडिया स्पेंड को एक मजदूर ने बताया कि उनको रेगुलरली पैसा देना होता है यूनियन को और वो 50 रुपए की मांग करते हैं, पर वो कैसे पैसा देंगे जब उनको काम ही नहीं मिलता। इसके अलावा अभी भी बंगाल की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, जैसे उनका टैक्स रेवेन्यू टू GSDP रेशियो अभी भी ऑल इंडिया एवरेज से ऊपर है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल ने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो नहीं, पर बंगाल ने सोशल इंडिकेटर्स में बहुत प्रोग्रेस करी है। उधर की लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट एक्सेस में बंगाल ऑल इंडिया एवरेज से बेहतर है। और इस सोशल प्रोग्रेस के पीछे कारण हो सकता है TMC की वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कृषक बंधु स्कीम जो सालाना का 5,000 रुपए देती है करीब 70 लाख किसानों और बटाईदार को, या फिर कर्म साथी प्रकल्पा स्कीम जो गरीब लोगों को मुफ्त की बिजली देती है। पर अगर बंगाल को इकोनॉमी अपनी इम्प्रूव करनी है तो उनको वो सारे ही इश्यूज सॉल्व करने होंगे जो कई सालों से वो फेस कर रही, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और अभी भी उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। जैसे 2020 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंडिंग बंगाल की कम थी एज कम्पेयर टू ऑल इंडिया एवरेज। PM मोदी ने कैंपेनिंग के दौरान कहा था गेम ओवर डेवलपमेंट बिगिंस, पर डेवलपमेंट इतनी इजीली नहीं आएगी। GST और नोटबंदी की वजह से इंडिया की पूरी इंडस्ट्रीज, बंगाल की नहीं, सभी सफर कर रही हैं, और उनकी ग्रोथ के लिए बंगाल की कई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जैसे अभी भी बंगाल में अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग बहुत कॉमन है और बंगाल की फाइनेंशियल सिचुएशन अभी भी चैलेंजिंग है, और जब ऐसा हो जाएगा तब बंगाल में हम परिवर्तन शायद देख पाएंगे। आशोल परिवर्तन मतलब ऐसा बंगाल
जहां लोगों को पलायन करने पर मजबूर न होना। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें